हरियाणा के चुनावी दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी रहेंगे। सीएम धामी चुनावी जनसभाओं में हुंकार भरते नजर आएंगे, 3 जनसभाओं को संबोधित करते नजर आएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई देंगे और इस तरह से वो जहां जहां जिम्मेदारी दी जा रही है, जहां जहां उनका दौरा लग रहा है, वहां वहां पहुंच रही हैं, जनसभाओं को संबोधित कर रही हैं। और इसी कड़ी में ये एक और प्रोग्राम उनका जो शेड्यूल है, बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे, लोगों से वोट की अपील करते नजर आएंगे, 3 जनसभाओं को संबोधित करते नजर आएंगे हरियाणा के चुनावी दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो कुल मिलाकर इस समय हरियाणा में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पूरा जोर लगाती हुई भारतीय जनता पार्टी, 5 अक्टूबर को वहां चुनाव होने हैं, 8 अक्टूबर को नतीजे आने हैं। ऐसे में वहां पर अब जो अंतिम दौर में सारी तैयारियां चल रही है, ऐसे में पुरजोर कोशिश के साथ ही स्टार प्रचारकों की सूची में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी नाम, और ऐसे में अब वो चुनाव प्रचार करते हुए नजर आने वाले हैं, 3 जनसभाओं में हुंकार भरते हुए आज नजर आने वाले हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। वहीं पीएम मोदी ने आज अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के दौरान देशवासियों को संबोधित किया। 114वें एपिसोड में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी यात्रा को 10 साल पूरे हो चुके हैं। ये कार्यक्रम विजयदशमी के दिन शुरू हुआ था। उन्होंने कहा श्रोता ही इस कार्यक्रम के असली सूत्रधार हैं। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मन की बात कार्यक्रम को सुना। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस कार्यक्रम को सुनने के बाद कहा कि मैं पीएम नरेंद्र मोदी को उनकी मन की बात कार्यक्रम को 10 साल पूरा होने पर बधाई देता हूं। जो लोग छोटे स्तर पर भी काम कर रहे थे, उन्हें इस कार्यक्रम की वजह से दुनिया भर में पहचान मिलने का काम हुआ। वो हमेशा अपने कार्यक्रमों में उत्तराखंड का जिक्र करते हैं, ये उत्तराखंड के लिए गौरव की बात है, और आज भी उन्होंने अपने कार्यक्रम में उत्तरकाशी का जिक्र किया है। मैं सबसे पहले तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं कि मन की बात एपिसोड के 10 साल पूरे होने जा रहे हैं 3 अक्टूबर को, और 3 अक्टूबर से हमारे नवरात्र भी प्रारंभ हो रहे हैं। और इन 10 सालों में मन की बात के कार्यक्रमों में एक साधक की तरह माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश की उन प्रमुख विभूतियों को, जिनको अपनी साधना में जो लगे हुए थे, लेकिन उनको देश के अंदर एक पहचान उस तरह से नहीं थी जितना वो काम कर रहे थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब से उनको मन के एपिसोड में शामिल किया, पूरे देश के अंदर उनको पहचान मिली, दुनिया के अंदर पहचान मिली, साथ ही उन सबका प्रोत्साहन हुआ, और अनेक अनेक जो लोग छोटे छोटे स्थानों पर बड़े बड़े काम कर रहे थे वो पूरी देश दुनिया की नज़र में आए और लोगों के लिए भी प्रेरणा के स्रोत बने। मैं उत्तराखंड की बात करूँ तो लगभग उनका मन की बात का कार्यक्रम हो या कोई अन्य कार्यक्रम हो, हर एक कार्यक्रम में मैं उत्तराखंड का वो अवश्य स्मरण करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में प्रवासी उत्तराखंड प्रकोष्ठ की वेबसाइट लॉन्च की। ये वेबसाइट ITDA के माध्यम से तैयार की गई है, जिसके जरिए प्रवासियों को राज्य सरकार की अलग अलग नीतियों, कार्यक्रमों और गतिविधियों के बारे में जानकारी प्रदान कराई जाएगी। धामी ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि आगामी 7 नवंबर को प्रस्तावित प्रवासी उत्तराखंड दिवस के मौके पर देहरादून में देश के विभिन्न प्रदेशों में रह रहे प्रवासियों को आमंत्रित किया जाएगा और भव्य सम्मेलन आयोजित करने को लेकर तैयारियां इस समय चल रही है। उन्होंने कहा अपनी मातृभूमि से जुड़ाव सबका होता है, राज्य सरकार का ऐसे में ये प्रयास है कि उत्तराखंड के प्रवासियों का राज्य के विकास के लिए सहयोग लिया जाए, उनको अपनी मातृभूमि से जुड़ाव के लिए उन्हें हर संभव सहयोग किया जाए। सीएम धामी कहते नजर आए कि हमारे उत्तराखंड के प्रवासियों ने देश दुनिया में अपने कार्यों के दम पर अपनी अलग पहचान बनाई है, उत्तराखंड का नाम रोशन किया है, देश का नाम रोशन किया है, और हमारा प्रयास ये है कि हम हर सुख दुख में उनके भागीदारी बने और उनके सहयोग के साथ उत्तराखंड को और आगे ले जाया जा सके। वहीं प्रदेश सरकार राज्य में बकायेदारों पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। राजस्व परिषद अध्यक्ष आनंद वर्धन ने ये निर्देश दिए हैं कि राज्य के 10 बड़े बकायेदारों से वसूली के लिए जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी अपने अपने स्तर से प्रभावी कार्रवाई करें। ये इंस्ट्रक्शन उनकी तरफ से जारी किए गए हैं। डीएम को भी
और उप जिलाधिकारी को भी। राजस्व परिषद अध्यक्ष ने बकायदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दोनों मंडल आयुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ विभागीय कार्यकलापों के संबंध में एक समीक्षा बैठक की। समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए कि मुख्य देयों और विविध देयों की निर्धारित समय सीमा के अंदर शत प्रतिशत वसूली होनी चाहिए। ये संबंधित अधिकारियों को ध्यान में रखना है कितनी जल्दी इन्हें वसूली की जा सकती है। जिन जनपदों में वसूली मानक के अनुरूप नहीं हो पाई है वहां पर एक खास अभियान चलाया जाए और वसूली पूरी होनी चाहिए। इस तरह के इंस्ट्रक्शंस खुद दिए गए हैं मुख्यमंत्री धामी के बाद, उनके निर्देश के बाद अब फिलहाल इस मामले में तेजी के साथ कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है। उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी का महीने का कार्यकाल आने वाली 30 सितंबर को पूरा होने जा रहा था, लेकिन अब उन्हें 6 महीने का विस्तार दे दिया गया, सेवा विस्तार उन्हें दे दिया गया है। राधा रतूड़ी का कार्यकाल बढ़ाने की चर्चाएं पहले से ही चल रही थी, पहले से ही अंदेशा था इस बात का कि उनका कार्यकाल एक्सटेंड किया जा सकता है और ऐसा ही हुआ। इसी पर मुहर लगी, 6 महीने और उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया गया है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने राज्यपाल से भी मुलाकात की। यदि राधा रतूड़ी को सेवा विस्तार ना मिलता तो वरीयता के आधार पर अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन राज्य के नए मुख्य सचिव हो सकते थे, लेकिन फिलहाल तो 6 महीने के लिए अब इस पद पर राधा रतूड़ी ही रहने वाली है। 6 महीने का उनका वर्क एक्सटेंशन हुआ है। 1988 बैच की IAS अधिकारी राधा रतूड़ी अपनी सेवानिवृत्ति से 2 महीने पहले 31 जनवरी 2024 को ही मुख्य सचिव बनी थी। 2 महीने का कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्हें प्रदेश सरकार ने 6 महीने का सेवा विस्तार दे दिया था। पहाड़ों की रानी मसूरी में साल भर पर्यटक आते हैं, जिससे मसूरी में जाम की समस्या बनी रहती है। इसके लिए कई बार प्रशासन की तरफ से पहल की गई, तमाम प्रयास किए गए, लेकिन कोई खास बदलाव, कोई खास फर्क आया नहीं। पहली बार प्रशासन ने मसूरी को जाम से राहत दिलवाने को शटल सेवा संचालित करने और किंग क्रैग पार्किंग को फिर से शुरू करने का फैसला लिया। पहले चरण में 2 किलोमीटर दायरे में 2 बसें चलाई जाएंगी। अधिकारियों को 10 दिन में टेंडर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने पुलिस को निर्देश दिए कि वो मसूरी के होटलों की अधिकतम पार्किंग की पूरी जानकारी रखे। पार्किंग फुल होने की जानकारी मिलते ही वाहनों को किंग क्रैग से आगे ना बढ़ने दिया जाए, इस बात को ध्यान में रखना होगा। यात्रियों को आगे शटल सेवा के माध्यम से ही रवाना किया जाए। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि जरूरत पड़ने पर बसों की संख्या भी बढ़ाई जा सकती है। इस दिशा में भी प्रयास जारी है। उत्तराखंड के 6 जिलों में बारिश का अलर्ट। टिहरी, पिथौरागढ़, बागेश्वर में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। देहरादून, चंपावत और नैनीताल में भी अलर्ट जारी हुआ है। बता दें आपको, उत्तराखंड में 30 सितंबर तक बारिश की संभावना जताई गई है। लगातार हो रही बारिश की वजह से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। उत्तराखंड में 30 सितंबर तक बारिश की संभावना बनी हुई है। पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। शुक्रवार को दिन भर बादल छाए रहे, देर रात मौसम ने भी करवट बदली। देहरादून में हुई झमाझम बारिश ने गर्मी से काफी हद तक राहत देने का काम किया। मौसम विभाग के मुताबिक आज 6 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को भी एहतियात बरतने के लिए कह दिया गया है, सतर्क रहने के लिए कह दिया गया है। अगले 30 सितंबर तक मौसम कमोबेश ऐसा ही बना रहेगा, जिससे तापमान में गिरावट आएगी, ठंड बढ़ेगी। बारिश और मलबे की वजह से प्रदेश के 98 मार्ग बंद है। इनमें से सबसे ज्यादा 16 मोटर मार्ग चमोली में बंद है, जिनमें ग्रामीण मोटर मार्ग सबसे ज्यादा है। फिलहाल दूसरी तरफ प्रशासनिक अधिकारी लगातार जहां जहां जो मार्ग बंद पड़े हुए हैं मलबा आने की वजह से, वहां पर रोड पूरा ब्लॉक हो गया है। मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द इन अवरुद्ध मार्गों को फिर से खोला जा सके। वही जनपद चमोली द्रोणागिरी ट्रैक पर फंसे 3 ट्रैकर्स का SCRF की टीम ने रेस्क्यू कर लिया है। बता दें आपको, एक ट्रैकर का शव भी बरामद हुआ है और वो फिर जोशीमठ पहुंचाया गया।
एसडीआरएफ की टीम वहां पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई थी। एसडीएम कार्यालय जोशीमठ से एसडीआरएफ को बताया गया था कि द्रोणागिरी ट्रैक पर कुछ ट्रैकर्स गए हुए थे जो वहां पर फंस गए हैं, उन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू करने के लिए एसडीआरएफ टीम की आवश्यकता है, जिसके बाद सूचना मिलने के बाद एसडीआरएफ की टीम वहां रेस्क्यू के लिए रवाना हुई। बता दें आपको, चार पर्यटकों का दल दरअसल 22 सितंबर को द्रोणागिरी के बागणी ग्लेशियर की ट्रैकिंग पर गया था। ट्रैकिंग से वापस लौटते समय एक शख्स की, एक ट्रैकर की वहां पर मौत हो गई, जान चली गई, ये जानकारी सामने आई है। अमल के साथ ट्रैकिंग पर गए विष्णु नायर ने बताया कि उन्होंने 22 सितंबर को ट्रैकिंग शुरू की थी, चार लोग गए थे, चार में से एक शख्स की जान चली गई, बाकी फंस गए वहां पर, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम के थ्रू उन्हें रेस्क्यू किया गया। वही खेल निदेशालय देहरादून में खेल मंत्री रेखा आर्या ने प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों के साथ एक वर्चुअल बैठक की। इस बैठक में प्रदेश में प्रस्तावित खेल महाकुंभ 2024 के आयोजन और तैयारी के संबंध में सभी जनपदों के जिलाधिकारियों से चर्चा की गई। इस दौरान जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। मंत्री रेखा आर्या ने कहा इस बैठक में कि 4 अक्टूबर से प्रदेश में खेल महाकुंभ का शुभारंभ होगा, जिसकी शुरुआत न्याय पंचायत स्तर से होगी। उन्होंने बताया न्याय पंचायत स्तर के बाद विकास खंड स्तर के खेल 25 अक्टूबर से 15 नवंबर तक, इसके बाद जनपद स्तर के खेल 16 नवंबर से 10 दिसंबर तक, और उसके बाद राज्य स्तर के खेल 15 दिसंबर से शुरू करने के समस्त जिलाधिकारियों को स्पष्ट इंस्ट्रक्शन जारी किए गए। हम लोग 4 तारीख से खेल महाकुंभ की शुरुआत करने जा रहे हैं, और इस खेल महाकुंभ की शुरुआत में जनपद के हमारे सभी जिलाधिकारियों से आज वार्ता हुई, उसके संदर्भ में उचित दिशा निर्देश जो है आज निर्गत कर दिए गए हैं, और न्याय पंचायत से खेल महाकुंभ की शुरुआत होगी, जिसका समय 4 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक का समय निर्धारित कर दिया है। फिर न्याय पंचायत के बाद में विकासखंड, और विकासखंड के बाद में जनपद, और जनपद के बाद में फिर राज्य स्तर पर जो है खेल महाकुंभ का आयोजन होगा, और राज्य स्तर पर जो है 15 दिसंबर तक में खेल महाकुंभ को लेके आने तक के लिए जिलाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। चूंकि राष्ट्रीय खेलों का आयोजन भी होना है तो पर्याप्त समय की आवश्यकता रहेगी, तो इसलिए 15 दिसंबर जो है वह समय निर्धारित कर रखा है, जिस समय हमारे खेल महाकुंभ जो है वो राज्य लेवल पर पहुंचेगा। अपने खेल महाकुंभ में हमारे 8 से लेके 23 वर्ष तक के बच्चे सभी का पार्टिसिपेशन होगा। निश्चित रूप से ये पार्टिसिपेशन हमारे उदीमान के बच्चों के लिए भी एक अवसर होगा, हमारे मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के लिए भी जो बच्चे जुड़े हैं उनके लिए भी एक अवसर होगा। इसके साथ साथ हमारे सभी स्कूल्स, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड हो, चाहे वो हमारे उत्तराखंड बोर्ड के हमारे बच्चे हों, सभी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वहीं सपा सांसद अफजल अंसारी के कुंभ मेले और साधु संतों पर दिए बयान से संतों में नाराजगी है। हरिद्वार में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने सपा सांसद के इस बयान को निंदनीय बताया, उन्हें साधु संतों से माफी मांगने की नसीहत दी। महंत रविंद्र पुरी ने कहा पिछले कुछ दिनों से सनातन और साधु संतों को बदनाम करने के लिए बाकायदा साजिश हो रही है। एक सांसद को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए, बचना चाहिए था ऐसा बयान देने से। कुंभ मेला विश्व की सांस्कृतिक धरोहर है, और ऐसे मेले के बारे में इस तरह का वक्तव्य, इस तरह की टिप्पणी अच्छी बात नहीं है। इस तरह के बयानों से कुंभ और साधु संतों की छवि खराब होती है। रविंद्र पुरी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से भी सांसद के बयान पर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। बता दें आपको, दरअसल सपा सांसद अफजल अंसारी ने कहा था कि कुंभ मेले और दूसरे धार्मिक आयोजनों में बड़ी संख्या में साधु संत गांजा पीते हैं, और बस इसी को लेकर बवाल मच गया। इसी को लेकर, इसी बयान को लेकर साधु संतों ने, पूरे संत समाज ने इस पर अपनी नाराजगी व्यक्त की। सनातन धर्म को भ्रष्ट करने का अभियान एक चल रहा है। पहले भोजन में मिलावट, हर प्रकार के ऐसे पदार्थों को सरेआम मिलाया जा रहा है, और एक नया प्रयास जो है, एक संसद सदस्य जो है, जो बहुत पुराने हैं और अपने आप में बहुत अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, उनको इस प्रकार की टिप्पणी नहीं करना चाहिए था कि गांजे की रेल भर के, बसें भर के कुंभ मेले में भेजी जाए। ये नारकोटिक्स विभाग का जो भारत सरकार का कानून है उसका भी उल्लंघन है। एक सांसद के मुख से इस प्रकार के शब्द शोभा नहीं देते। मुझे आशा है वो इस पर अवश्य खेद व्यक्त करेंगे, अन्यथा उनके खिलाफ आंदोलन चलाने के लिए हम लोग बाध्य रहेंगे। और मैं ये मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के जो हमारे संत हैं, उनसे मांग करता हूँ कि उनके इस बयान के ऊपर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। अपने आप में एक ऐसा पर्व है जहाँ दुनिया भर के देशों से लोग आते हैं,
सनातन धर्म को मानने वाले उसके अलावा दूसरे धर्म के लोग भी आते हैं। विश्व की एक सांस्कृतिक धरोहर है और उसमें इस प्रकार साधुओं के ऊपर आक्षेप लगाना कि सभी साधु गांजा पीते हैं, ये बिल्कुल निरर्थक है, निराधार है। इस प्रकार के आरोपों से उनको बचना चाहिए और जल्दी ही उनको साधु समाज से माफी मांगनी चाहिए। वहीं देहरादून के डीएम सविन बंसल ने राजपुर बावड़ी से जल संरक्षण और जल संवर्धन अभियान की शुरुआत की। उन्होंने बावड़ी का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को इसके संरक्षण और संवर्धन के लिए कार्य योजना तैयार करने के इंस्ट्रक्शंस दिए। डीएम सविन बंसल के मुताबिक पिछले सप्ताह शुरू किए गए जल संरक्षण अभियान को आगे बढ़ाते हुए पानी के प्राकृतिक स्रोतों को बचाने के लिए लगातार प्रयास जारी है। इस बात पर भी सुझाव लिए जा रहे हैं कि हम इन जल स्रोतों को, इन वाटर रिसोर्सेज को कैसे रिचार्ज कर सकते हैं। पीएम मोदी के आह्वान के बाद जल संरक्षण अभियान ने गति पकड़ी और राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी उनके नेतृत्व में इस कड़ी में तेजी के साथ काम आगे बढ़ रहा है। इनका पानी यानी कि इन जल स्रोतों का पानी न केवल स्थानीय समुदाय के लिए बल्कि जंगलों में रहने वाले जानवरों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस दिशा में हमको मिलकर प्रयास करने होंगे। देखिए, जल संरक्षण की जो मुहिम हमने शुरू की थी लास्ट वीक, उसको आगे बढ़ाते हुए हमारे देहरादून के समीप जितने भी नेचुरल वाटर सोर्सेज हैं तो उनके संरक्षण और संवर्धन में हमारे पहाड़ी पेडलर्स एंड अदर सोसाइटल ग्रुप्स निरंतर प्रयास कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, मैप कर रहे हैं और सजेशंस भी गैदर कर रहे हैं कि उनको स्ट्रक्चरल इंटरवेंशन ना करते हुए, कोई सिविल वर्क्स ना करते हुए कैसे हम इन वाटर सोर्सेज को रिचार्ज करें, लाइवली रखें, जिससे इनका जो ऐतिहासिक महत्व है और जो जीवन को सपोर्ट करने का इनका पर्पस है वो सर्व होता रहे। सो लोकल कम्युनिटीज को जागृत करना एक उद्देश्य है कि वो अपने समीप इस तरह के जितने भी रिवर्स हैं, रिवुलेट्स हैं, नौले हैं, धारे हैं, एक्वेफर्स हैं, उस पे विशेष ध्यान रखें, वाटर कंटेमिनेट ना हो, उसके कैचमेंट में जितने पेड़ लगा सकते हैं लगाएं। वहीं दूरस्थ ब्लॉक देवाल के संगम मैदान में आयोजित बहुउद्देशीय शिविर में मुख्य विकास अधिकारी ने स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनी। शिविर में ग्रामीणों की 103 समस्याओं और शिकायतों में से अधिकांश का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। 300 से ज्यादा लोगों की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच की गई। विभागीय स्टॉल के माध्यम से विविध प्रमाण पत्र मौके पर जारी करने के साथ ही सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देकर स्थानीय जनता को लाभान्वित किया, उन्हें जागरूक किया। मुख्य विकास अधिकारी ने सभी लोगों की समस्याओं को सुना। शिकायतें सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता की शिकायतों को गंभीरता से लिया जाए, समय पर उनका निस्तारण किया जाए, किसी भी स्तर पर कोई भी शिकायत लंबित ना रहे। सीडीओ ने कहा, शिविर लगाने का यही उद्देश्य है, जनता की शिकायतों का स्थानीय स्तर पर जल्द से जल्द निराकरण हो सके। इस दौरान उन्होंने शिविर में लगाए गए विभागीय स्टॉलों का भी निरीक्षण किया। ज्यादातर जो समस्याएं थी वो सड़क को लेकर थी और जल जीवन मिशन को लेकर भी थी, क्योंकि अभी डीएम साहब ने भी और हमने भी अभी अभी डिस्ट्रिक्ट ज्वाइन किया है, तो हमारा यही उद्देश्य होगा कि जो भी आज की समस्याएं हों और जो अदरवाइज भी जो प्रॉब्लम्स हैं उसका जल्दी से निस्तारण किया जाए, टाइम बाउंड मैनर में सारे जो इश्यूज हैं उसको सॉल्व किया जाए। आज का भी जो है शिविर था वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा और कई सारी प्रॉब्लम्स को जो है आज के दिन सॉल्व किया गया है और जो भी और जो बाकी प्रॉब्लम्स आई हैं उनको जल्दी उनको भी सॉल्व किया जाएगा। मैं जितने भी समस्त अधिकारीगण हैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा, आप लोग उपस्थित रहे हैं। साथ ही यही कहूँगा कि आप लोग शीघ्र जो है वो सारे प्रॉब्लम्स जो आज आपके समक्ष आए हैं उनको सॉल्व करें, इसमें कोई लापरवाही ना बरतें और इसको बिल्कुल टाइम बाउंड मैनर में इसको सॉल्व करें। बाकी मैं लोगों से भी यही कहूँगा कि इसके अलावा भी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए आप तत्काल जो है अधिकारियों से या फिर हमारे ऑफिस में भी हमेशा कॉन्टैक्ट करेंगे और उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। खबर लक्सर से है। लक्सर में श्री रामलीला का 87वां महोत्सव शुरू हो गया है। रामलीला कमेटी की ओर से पहले नगर क्षेत्र में रामलीला शोभा यात्रा निकाली गई, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई और उसके बाद पूर्व विधायक संजय गुप्ता ने फीता काटकर रामलीला महोत्सव का शुभारंभ किया। इस मौके पर पूर्व विधायक संजय गुप्ता ने कहा कि रामलीला कोई मनोरंजन का साधन नहीं होता बल्कि भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता और संस्कार की परिचायक है। इस मौके पर शुगर मिल के महाप्रबंधक एसपी सिंह, नगर व्यापार मंडल अध्यक्ष अतुल गुप्ता और क्षेत्र के अन्य गणमान्य लोगों के साथ वहां पर उपस्थित नजर आए।
चंद्र की जय, सीता मैया की जय, बजरंग बली की जय। आज बड़ी खुशी का क्षण है, विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी 27वीं रामलीला का उद्घाटन आज हम सबके द्वारा हुआ है और बड़े धूमधाम के साथ श्री रामलीला का मंचन किया जा रहा है। मैं आप सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। यह बड़े शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होगी और दशहरा यहाँ मनाया जाएगा। श्री राम का जो मंच, श्री रामलीला का जो मंचन है, वो संस्कार का केंद्र है। हमारे संस्कार हमारे पिता के प्रति, माता के प्रति, भाई के प्रति, पत्नी के प्रति कैसा होना चाहिए, इस श्री रामलीला के द्वारा हमें संस्कार मिलते हैं। आजकल की जनरेशन पाश्चात्य संस्कृति को अडॉप्ट करती जा रही है, जिसके दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। श्री रामचंद्र। और पिछले लंबे समय से उत्तराखंड किसान मोर्चा की बैनर तले किसान जॉइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। किसानों ने आज पिरान कलियर विधायक के फुरकान अहमद के आवास का कूच किया, अपनी मांगों को लेकर उन्हें ज्ञापन सौंपा। इस दौरान किसानों ने कहा कि जिले के सभी विधायकों को ज्ञापन दिया जाएगा ताकि वो किसानों की बात को सरकार तक पहुंचाए, संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाए, मंत्रियों तक पहुंचाए और किसी भी तरह से किसानों की समस्याओं का समाधान निकाला जाए। लेकर लगभग 25 दिन से दो किसान संगठनों का धरना अनिश्चितकालीन दिन रात रुड़की में चला रहा। वो जो किसान की डिमांड है, स्मार्ट मीटर किसी भी सूरत में देहात क्षेत्र में ना लगाया जा, किसानों का बकाया गन्ना भुगतान दिलाया जा, इन्हीं सभी बातों को लेकर आज हम विपक्ष के विधायक माननीय फुरकान अहमद जी के यहाँ आए थे। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा मानना यह है कि हरिद्वार के लोगों ने और उधम सिंह नगर के लोगों ने, हमने दोनों जिलों ने पुरजोर तरीके से विपक्ष के लोगों को, विधायकों को जिताकर विधानसभा भेजा। हमने ज़्यादातर 8 विधायक विपक्ष के यहाँ से जिताए और ऐसे ही उधम सिंह नगर से जिताए। तो उस जिताने के बदले में सरकार कहीं ना कहीं फिर बीजेपी की बनगी तो उसकी सजा हरिद्वार के लोगों को दी जा रही। पहाड़ के लोगों के लिए तो 200 यूनिट फ्री और हरिद्वार के लिए, उधम सिंह नगर के लिए 100 यूनिट फ्री। तो ये जो हमारी साथ सोताले व्यवहार किया जा रहा है और इस पर विपक्ष कहीं ना कहीं मौन है, इस पर हरीश रावत जी का कोई बयान आ नहीं रहा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सत्ता की इस बात में विपक्ष का भी मौन समर्थन हमें नजर आ रहा। कि जो हमारे किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलशन रोड जी अपने साथियों सहित यहाँ पर विज्ञापन देने के लिए आए, मुझे उन्होंने विज्ञापन दिया। उसमें उनकी मांग थी कि जो हमारे ज़िले हरिद्वार में या पूरे प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने की तैयारी कर रही है, वो ना लगाया जाए। वो बात सही भी है कि नहीं लगने चाहिए। और दूसरी उनकी मांग थी कि इकबालपुर मिल पर जो किसानों का 108 करोड़ रुपया 2017-18 का बकाया है, वो तत्काल गन्ने का भुगतान हो। उसमें मैंने पिछली बार भी जब अभी रचान में सत्र चल रहा था, मैंने उस बार भी मेरा क्वेश्चन लगा हुआ था कि किसानों का बकाया का भुगतान किया जाए, क्योंकि सरकार कहती है कि केस कोर्ट में चल रहा है। हम जो किसान गन्ना देता है वो समिति के थ्रू देता है, समिति बीच का एजेंट होता है, सरकार समिति किसान सरकारी होती है। तो अगर समिति पर्ची भेजेगी किसान के पास तो किसान गन्ना लेकर मिल में जाएगा। हरिद्वार जिले में अवैध रूप से चल रहे अस्पतालों पर स्वास्थ्य विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। हाल ही के दिनों में जिले के रोशनाबाद, रुड़की, बहादुराबाद समेत कई स्थानों पर डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से गंभीर मामले सामने आए हैं, जिनमें कई लोगों की जान तक चली गई। इस घटनाक्रम के बाद जनता में आक्रोश फैला, कई स्थानों पर हंगामा भी हुआ। इन मामलों को गंभीरता से लेते हुए मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि उन्हें कई सारी इस तरह की शिकायतें मिली थी, जिसके आधार पर अब अवैध अस्पतालों की जांच की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि कई अस्पतालों पर सील लगाई जा चुकी है और बाकियों पर भी अगर कहीं भी कोई भी अनियमितता पाई गई जल्द ही कार्रवाई होगी। देखिए, जैसा मेरे संज्ञान में लाया गया था और मीडिया के द्वारा ही आया था, इसमें रोशनाबाद हेल्थ केयर एक क्लिनिक है, यहाँ पर किसी महिला की तबीयत खराब हो गई है और उसके लिए इलाज के लिए सक्षम नहीं था। अगले दिन तत्काल मेरे द्वारा एक जो नोडल अधिकारी हमारे हैं टीम के साथ वहाँ पर गए थे। वहाँ उन्होंने लगभग 5 क्लिनिक चेक करी थी, जो हेल्थ केयर हो तो तालाबंद पड़ा हुआ था। उसके अलावा एक जीएमएस गंगा मेडिकल सेंटर करके था, एक संजीवनी हॉस्पिटल था, एक अस्मा हॉस्पिटल था, एक डेंटल हॉस्पिटल था, एक बंगाली था। इन चारों लोगों को सीज कर दिया, बंद कर दिया गया था
और इनको नोटिस भी जारी कर दी गई है। एमएस लैब का भी है, इनको नोटिस जारी की गई है और 50,000 की पेनाल्टी आरोपित की गई है। हमारे पास रिकॉर्ड भी हमारे पास मौजूद है जो पेनाल्टी दी गई है। हमारे संज्ञान में आता है कि यहाँ पर अस्पताल जो मिला खुला हुआ है ये हमारे क्लिनिकल डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट के अंतर्गत नहीं आता है या रजिस्टर्ड नहीं है हमारे अस्पताल का। खबर रुड़की से है जहां पर झोला छाप डॉक्टर और फर्जी तरीके से चल रहे क्लिनिक्स मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बता दें आपको, निजी अस्पताल में गर्भवती महिला की जान चली गई थी जिसके बाद परिजनों ने वहां पर अस्पताल में जमकर हंगामा किया, तोड़फोड़ की। वहीं अब स्वास्थ्य विभाग भी सजग हो गया है, अस्पताल को कार्रवाई करते हुए सील कर दिया गया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग ने छापेमारी अभियान भी चलाया, 2 अस्पतालों पर 2,00,000 रुपये से ज्यादा का जुर्माना लगाया गया, 1 लैब को सील कर दिया गया। लेकिन स्वास्थ्य विभाग भी घटनाओं के बाद ही जागता है, अगर समय रहते उचित कार्रवाई की जाती तो शायद पेशेंट्स की जान जाने से बचाई जा सकती थी। मालूम है कि एक माई अस्पताल में जो कल एक कैजुअल्टी हुई है उसको हम लोग निरीक्षण करने आए थे, वो बंद पाया गया और उसका जो ओनर है वो भी फरार है, वहाँ निरीक्षण किया। उसके बावजूद फिर हमने ग्लोबल हॉस्पिटल को देखा, वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं मिला, उसको हमने बंद किया है। डायमंड हॉस्पिटल पे हम 2,00,000 की जुर्माना लगाया और मेडविन पे जुर्माना लगाया। उसके बाद एक लैब थी वहाँ पे, एक दूसरी लैब है हमारी डॉक्टर जगदीश कुमार करके एक लैब है ईदगाह रोड पर, उस पर हमने जुर्माना लगाया और 4 हॉस्पिटल में हमने जुर्माना लगाया। हम लोग ये कहना चाहते हैं कि जहाँ जो हॉस्पिटल में लोग आते हैं तो जहाँ डॉक्टर नहीं है वहाँ कृपया करके बाहर बोर्ड पर लगा दिया जाए कि ये डॉक्टर आज अवेलेबल रहेंगे नहीं रहेंगे। बाहर बड़े बड़े बोर्ड लगा कर डिग्रियाँ लगा कर लोग बहकावे में आकर के अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं, बहुत गलत है। उत्तराखंड लाइव में फिलहाल बस इतना ही, बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।